दोस्तों अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अब शुरू हो चुका है। आखिरकार भारत ने टॉस जीतने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए बना लिए हैं कितने रन, कौन बल्लेबाज पहुंच गया है शतक के करीब, क्या चल रहा है भारत का स्कोर, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं वो भी लाइव। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और वेस्ट इंडीज में से पहला टी20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है और जब भी इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले खेले जाते हैं तब तब सभी ने देखा है कि आखिर मुकाबले अंतिम ओवर के रोमांच तक पहुंचते हैं और वहां जाकर फैसला होता है कि आखिर कौन सी टीम विजेता बनने के लायक है। और दोस्तों अब एक बार फिर से हम सभी को भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो दो हाथ करते हुए नजर आ रही है, जहां इस बीच भारतीय टीम की तरफ से हम सभी को कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज टीम की कमान रोमन पोवेल के हाथों में थमा रखी है। और अब ऐसे में दोस्तों पूरे भारत को यही इंतजार है कि हार्दिक पांड्या ने जो अपनी कप्तानी के सिलसिले को बरकरार रखा है वो इस सिलसिले को आगे जारी रखें और वेस्ट इंडीज की टीम को इस सीरीज में जो 5 मैचों की टी20 खेली जा रही है इसमें हरा कर भारतीय टीम को विजेता बनाए। अब दोस्तों बात करें अगर पहले टी20 मुकाबले के बारे में, तो अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला अभी लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों यह मुकाबला आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर नहीं देख पाओगे। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले का आनंद अगर आपको उठाना है तो वो बस ऑनलाइन दिखाया जाएगा, जहां आप सभी इस मुकाबले को ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हो। और अगर आपको मुकाबला फ्री में देखना है तो फैनकोड एप्लीकेशन पर भी यह मुकाबला दिखाया जा रहा है, जहाँ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में आप सभी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा पाओगे। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या की बस यही चाहत होगी कि वो मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे। और क्योंकि अगर भारतीय टीम ने गेंदबाजी पहले चुनी तो यहां पर बाद में चेज करने वाली टीम को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी, जिसके बलबूते पर भारतीय टीम आसानी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह मुकाबला अपने नाम भी कर सकती है। वहीं हम आपको बताते हुए चलें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अगर हेड टू हेड के आंकड़ों के बारे में बात करें, जो कि वेस्ट इंडीज की विदेशी सरजमी पर ही खेले गए हैं, तो दोस्तों वहां पर मुकाबले खेले गए हैं 10 और 10 में से 7 बार भारत ने जीत हासिल की है, तो वहीं 3 बार मात्र वेस्ट इंडीज की टीम जीती है। तो दोस्तों आप इन बातों से यह अनुमान तो लगा ही सकते हो कि भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ। लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम को भी कम समझना भारतीय टीम के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से चाहेंगे कि वो मैदान पर अपनी मजबूत प्लेइंग 11 टीम को उतारें और मुकाबले को अपने नाम करें। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो कि आप सभी को भारत और वेस्ट इंडीज की खेलती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर भारत की प्लेइंग 11 टीम में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है वो उसमें शामिल है। जो भारत की तरफ से खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में हम सभी को सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों यहां पर दीपक चाहर की जगह पर युजवेंद्र चहल को भी टीम में शुमार किया जा सकता है। वहीं बात करें अगर वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से काइल मेयर्स और जॉनसन चार्ल्स पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं ब्रेंडन किंग, शामरा ब्रुक्स, निकोलस पूरन, रोमन पोवेल, जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ, अकील हुसैन, ओविड मकोय और अजारी जोसेफ टीम का हिस्सा बने हुए हैं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज में से पहला टी20 मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।